जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। आपको कौन सा रंग पसंद है? चुने एक रंग और जाने क्या कहती है आपकी सोच। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ये दुनिया सिर्फ स्वार्थ की है दोस्तों। सृष्टि महज एक खेल है, एक रंग मंच है, जहाँ राग और रंगों का नाटक मनुष्य का कठपुतलियों की तरह चलता ही रहता है। और भीतर के हिलोरे जब फागुन के महीने में रंगों से हम खेलते हैं, तो फागुन की जो हिलोरे उठती है बाहर प्रकट होती हैं, तो उत्सव का रूप ले लेती है। हर इंसान किसी न किसी रंग में रंगा है, किसी न किसी राग में मस्त है और दुनिया के रंग मंच पर विभिन्न भूमिकाएं अदा कर रहा है। इंसान अलग अलग रंगों की शरण लेते हैं। साधु संन्यासी गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, समाज सेवी सफेद पहनते हैं, नेता सफेद रंग पहनते हैं। वहीं जो सिनेमा के पर्दे के कलाकार होते हैं, दर्शकों का दिल बहलाने के लिए रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें रंग नहीं है। पानी, हवा, अंतरिक्ष, पूरा का पूरा जगत ही रंगहीन है। और हम जिन चीजों को देखते हैं वो भी रंगहीन है। रंग किसमें होता है? केवल प्रकाश में होता है। रंग वो नहीं है जो दिखता है, वो जो दिखता है जो त्यागता है। आज मैं आपको बताऊंगी रंग कितने प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपके फेवरेट रंग के जरिए कि कौन सा रंग आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है और आपका नेचर क्या बताता है। सब लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, तो आइए जान लेते हैं कौन सा कलर है जो आपके जीवन पर आपको इफेक्ट करता है और क्या इफेक्ट करता है। रंगों में सबसे प्रमुख तीन रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। इस जगत में मौजूद सारे रंग इन्हीं रंगों से मिलकर पैदा किए जा सकते हैं। हरे रंग का आपके ऊपर एक खास प्रभाव होता है। कुछ लोग तो आजकल कलर थेरेपी भी करते हैं, अलग अलग रंगों के पानी को बॉटल्स में प्रयोग करते हैं, जिससे आपके ऊपर एक खास तरह का प्रभाव होता है। आप अपने मन में अपना कलर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपका नेचर कैसा है, आपके ऊपर क्या प्रभाव है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने अपने कलर सेलेक्ट कर लिए होंगे। जो रंग सबसे ज्यादा आपको अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है वो है लाल रंग। तो जिन लोगों ने अपने मन में लाल रंग सेलेक्ट किया है वो सुन लें, क्योंकि सबसे ज्यादा चमकीला लाल रंग होता है। बहुत सी चीजें जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट होती है वो लाल रंग की होती है। जैसे हमारा ब्लड, उगते हुए सूरज का रंग लाल होता है। मानवीय चेतना में अधिकतम कंपन सबसे ज्यादा लाल रंग से पैदा होती है। जोश और उल्लास, खुशी का रंग लाल होता है। अगर आप लाल रंग के कपड़े पहनकर आते हैं तो लोग ये समझते हैं कि आप पूरे जोश से भरपूर हैं, भले हकीकत में ऐसा हो या ना हो। इस तरीके से लाल रंग आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा आपको जोशीला बनाता है और जोश और उल्लास का प्रतीक है, भरपूर कंपन का प्रतीक है, देवी माता से संबंधित है। बहुत ही लकी कलर है रेड। लाल रंग शक्ति, मजबूती और स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। इस रंग को पसंद करने वाले लोग थोड़े से आक्रामक स्वभाव के जरूर होते हैं, जिन्हें अपने गुस्से के आगे कुछ भी समझ नहीं आता है। इस रंग को चाहने वाले लोग बहुत ही आशावादी होते हैं, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं जब आ जाती हैं लाइफ में तो वो हिल जाते हैं। अगर आपने पसंद किया है नीला रंग, तो नीला रंग सबको समाहित करके चलने वाला रंग है। आप देखेंगे कि इस जगत में जो भी ऐसी चीज है बेहद विशाल है और आपकी समझ से परे है, उसका रंग आम तौर पर नीला है। चाहे वो आकाश हो या समुद्र हो, जो कुछ भी आपकी समझ से बड़ा है वो नीला होगा, क्योंकि नीला रंग सबको शामिल करने का आधार है। श्री कृष्ण का शरीर का रंग नीला माना जाता है। इस नीलेपन का मतलब ये जरूरी नहीं है कि उनकी त्वचा का रंग नीला था। हो सकता है कि वो श्याम रंग के हो, लेकिन जो लोग जागरूक थे उन्होंने उनकी ऊर्जा की नीलेपन को देखा और उनका वर्णन नीले वर्ण वाले के तौर पर किया। कृष्ण की प्रकृति के बारे में की गई सभी व्याख्यानों में नीला रंग आम है, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना उनके अंदर एक ऐसा गुण है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक साथ करते करते सारा ग्रुप कृष्ण का हो जाता है। और नीला रंग उन्हें पसंद होता है जो नरम दिल, प्यार से लबरेज और केयरिंग होते हैं। इस तरह के लोग अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी करते हैं और अपने चरित्र को दाग रहित बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ये वफादार होते हैं और सदैव चिंता मुक्त होते हैं। उच्च बौद्धिक क्षमता वाले लोग होते हैं और हंसी मजाक करना इनको बेहद रास आता है। हर काम में ऊर्जावान रहते हैं। बात करते हैं अगर आपने काला रंग चुना है
तो कोई भी आपको काली प्रतीत होती है, इसकी वजह ये है कि ये कुछ भी परावर्तित नहीं करती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। काला रंग सब कुछ अपने अंदर सोख लेता है। अगर आप लगातार लंबे समय तक काले रंग के कपड़े पहनते हैं, तरह तरह के स्थितियों के संपर्क में आते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा कुछ ऐसे घटने बढ़ने लगती है कि वो आपके भीतर के सभी भावों को सोख लेगी और आपकी मानसिक हालत को बेहद अस्थिर और असंतुलित कर देगी। हम ऐसा भी कहते हैं कि काला रंग वाले बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, उनके अंदर की भावनाएं सब मर जाती है। अगर आप विशेष जगह है, विशेष कंपन और शुभ ऊर्जा है, तो आपके लिए पहनने के लिए सबसे अच्छा रंग काला है, क्योंकि ये आपको शुभ ऊर्जा से ज्यादा आत्मसात करना चाहता है। शिव को हमेशा काला माना जाता है, क्योंकि उनमें खुद को बचाए रखने की भावना नहीं है, इसलिए वो हर चीज अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब जहर उत्पन्न हुआ था, उसको भी उन्होंने अपने अंदर आत्मसात कर लिया था। इसलिए जो लोग काला रंग पहनते हैं, उनमें हर भाव को सोखने की बहुत ज्यादा ताकत होती है और हर चीज वो अपने अंदर बहुत ही आराम से सोख लेते हैं। रंगों की दुनिया बहुत ही अजीब है, हर रंग खास और हर रंग का अलग अलग अपना महत्व होता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट कलर। अगर आपने पसंद किया है सफेद रंग, तो सफेद यानी श्वेत, ये कोई रंग नहीं है। कह सकते हैं कि अगर कोई रंग नहीं है तो वे श्वेत है, लेकिन साथ ही श्वेत रंग में भी सभी रंग होते हैं। तो जो लोग आध्यात्मिक पद पर होते हैं, आपको पता होगा कि 7 कलर्स मिल करके एक व्हाइट कलर बनता है। तो जो लोग आध्यात्मिक पद पर होते हैं, वो जीवन के तमाम दूसरे पहलुओं में भी उलझे रहते हैं और अपने आसपास से कुछ बटोरना नहीं चाहते। जीवन में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं। जीवन से निर्वित होकर के बाहर निकलते हैं और श्वेत रंग इस काम में हमारी मदद करता है, क्योंकि सफेद रंग सब कुछ बाहर की ओर बिखेरता है, कुछ भी पकड़ कर नहीं रखता। ऐसा बनकर रहना बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए जब भी आप आध्यात्म की ओर बढ़ें, खास तरह के जीवन के संपर्क में आते हैं, तो सफेद वस्त्र पहनना सबसे ज्यादा अच्छा होता है, आपकी लाइफ में पीस का स्वागत करता है। तो अगर आपने चुना है व्हाइट कलर, तो शांति और सद्भावना का प्रतीक है, लोगों के संबंधों में बंधने और आपसी सामंजस्य के लिए क्रेडिट करता है। जिन लोगों को रंग पसंद होता है, वो काफी शांत स्वभाव के होते हैं और उनकी स्मृति काफी तेज, उनकी मेमोरी बहुत तेज होती है, कोई भी काम बहुत सोचने और समझने की बात करते हैं। अगर आपने चूज किया है पिंक कलर, तो जिन लोगों को गुलाबी रंग पसंद होता है, वो बहुत ही आकर्षक और सॉफ्ट दिल के होते हैं, हर एक काम को बहुत ही प्यार से करते हैं और इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी नुकसान भी झेलना पड़ जाता है। उन्हें प्यार में पड़ना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है और हमेशा चाहते हैं कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, जिससे हर कोई इनसे आराम से इम्प्रेस्ड हो जाता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट। अगर आपने ऑरेंज कलर या गेरुआ कलर सेलेक्ट किया है, केसरिया कलर सेलेक्ट किया है, तो ऐसे लोग, आपको मैं बता दूं, गेरुआ रंग सबसे पहले तो सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है, तो उसकी किरणों का रंग केसरिया ही होता है, जिसे हम भगवा, गेरुआ, नारंगी रंग भी कह सकते हैं। अगर आप गेरुआ रंग के वस्त्र पहनते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का सवेरा हो गया है। जब आप ये रंग पहनते हैं, तो लोग ये समझने लग जाते हैं कभी कभी कि आप सन्यासी हैं। हमारे शरीर में जो आद्य चक्र है, उसका रंग भी गेरुआ ही माना जाता है और आद्य चक्र ज्ञान प्राप्ति का सूचक है। जो लोग अध्यात्म के पद पर होते हैं, वो उच्चतम चक्र तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वो इस रंग को पहनना चाहते हैं। आपके आभा मंडल का जो काला हिस्सा होता है, उसका भी इस रंग से शुद्धिकरण हो जाता है। अगर आप नारंगी रंग पसंद करते हैं, तो आपको लग्जरी लाइफ पसंद आती है, फन लविंग होते हैं, हर कोई प्यार करता है इनको और अच्छा समय व्यतीत करना चाहते हैं। आप खास करके अपने दोस्तों में बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और आपका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। बात करते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कलर की, गेरुए से हटकर थोड़ा सा लाइट कर दीजिए, और वो है येलो कलर। पीला रंग खुशियों का रंग, कल्पनाओं का रंग, ऊंची ऊंची उड़ानों का रंग। इस रंग को अगर आपने सेलेक्ट किया है,
आप बहुत ही हल्के दिल वाले, खुश मिजाज और फन लविंग पर्सन हैं। इस रंग को पसंद करने वाले लोग जॉली नेचर के होते हैं और हमेशा कुछ न कुछ नया करने में लगे रहते हैं। दिमाग इनका बिजनेस की ओर ज्यादा चलता है और सेंस ऑफ ह्यूमर गजब ही तरीके का होता है। अगर आपने पसंद किया है ग्रीन कलर, तो नेचर का कलर है, नेचर लविंग पर्सन है आप। और ये रंग पसंद करने वाले लोग बहुत ही आशावान, पॉजिटिविटी इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई होती है और ये लोग बहुत ही संतुलित होते हैं। कोई भी कदम उठाने के पहले सोच समझ करके कदम उठाते हैं। बहुत ही पीस लविंग और शांति प्रिय होते हैं। थोड़े गंभीर स्वभाव के होते हैं और सामाजिक भी होते हैं। यूजुअली आप देखेंगे जो लोग पार्टी पॉलिटिक्स में ज्यादा होते हैं, उनको ग्रीन कलर बहुत ज्यादा पसंद होता है और इनकी विचारधारा बहुत ही उच्च होती है और दूसरों को छेड़ने में इनको बहुत मजा आता है। सभ्यता का परिचय ये सदैव देते हैं। तो अगर आपको ग्रीन कलर पसंद है तो आप बहुत ही लकी और सदे हुए इंसान हैं। बात करते हैं अब हम बैंगनी कलर की। अगर आपने बैंगनी कलर को सेलेक्ट किया है तो बैंगनी रंग को पसंद करने वाले बहुत ही स्पेशल और अनोखे होते हैं। यानी कि पर्पल इंडिगो कलर आपने पसंद किया है, उनकी इच्छाएं बहुत ही दृढ़ होती है, क्रिएटिव्स होते हैं, खर्च करना इनको बहुत पसंद होता है। अगर आपने बैंगनी कलर चुना है तो ये दर्शाता है कि आप सपने देखने में बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं। स्वभाव से बहुत रोमांटिक है, बड़े दिल वाले हैं, खुशियां बांटना आपको पसंद है। आपके कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो कल्पनाओं में ही पूरी हो सकती है। आप फैंटेसी में जीना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। अपनी पर्सनालिटी को जानने का बहुत ही अनोखा सा तरीका है मैंने बताया है, जो आप पूरी तरह से वैज्ञानिक या साइंटिफिक तरीके से इसे जान सकते हैं। अगर आपके अंदर नेगेटिव सोच ने घर कर लिया है तो आपको लगता है कि कोई कद्र नहीं है, तो आप अपने आप से बिल्कुल खुश नहीं है, तो अपने अंदर आप झांके, अपने कलर को सेलेक्ट करें और देख लीजिए कि आपका स्वभाव कैसा है। दुनिया भले बोलती रहे, आप क्या है ये आप खुद जान सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।